जमशेदपुर के सीताराम डेरा के कोर्ट परिसर में उस समय हंगामा शुरू हो गया जब जुगसलाई के चर्चित प्रेमी युगल मामले का आरोपी प्रेमी को पुलिस गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने पहुंची। इस दौरान वहां मौजूद अधिवक्ताओं ने लड़की के 164 के तहत बयान दर्ज कराए जाने का विरोध किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूरे कोर्ट परिसर में पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। सलाई थाना में एक कांड दर्ज हुआ था जिसमें अपहरण की बात की गई थी और लड़की जो है उसके पिताजी के द्वारा FIR किया गया था, जिसमें लड़का को जो है बॉम्बे से आया है और सरेंडर किया था पुलिस में। और सरेंडर करने के बाद आज पुलिस जो है इसको कोर्ट लेके आई है, रिमांड कराई है और दोनों बालिग, लड़का भी बालिग और लड़की भी बालिग, ये लोग लगभग 10 साल पुराना प्यार मोहब्बत था जब स्कूल में पढ़ते थे, गुरु नानक स्कूल में, उस समय का प्यार मोहब्बत रहा है। और अभी जो है इन लोग शादी भी कर चुके हैं, किसी मंदिर में शादी की है, जैसा कि लड़का ने बताया कि किसी मंदिर में शादी हुई है उनका, गोल पहाड़ी के मंदिर में, और ये शादी जो है जनवरी में किए थे ये लोग। और लड़का ये चाहता है कि उसका जो है जब शादी कर चुके हैं, हिंदी रीति रिवाज से शादी किए हैं, तो उसकी पत्नी को उसके हवाले किया जाए। अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया और IO के द्वारा उसमें सेक्शन ऐड करने के लिए, अल्टर करने के लिए उसमें जो है दिया गया है रिक्विजिशन। और इस बीच जो है जहाँ तक सवाल है लड़की का 164 का बयान का, अब उसमें औचित्य नहीं बनता है, इसी बात को लेकर के हम लोग अधिवक्ता भाजपा विधि विभाग का जो जितने पदाधिकारी और सदस्य थे, हम लोग इस चीज़ को जाकर के प्रोटेस्ट किए कि अब इसमें 164 का